नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। 2018 में रिलीज हुई बहुचर्चित फिल्म तुम्बाड़ में अपनी शानदार अभिनय का लोहा मनवाने वाले सोहम शाह एक बार फिर खास अंदाज में दिखने वाले हैं। अपनी लोकप्रिय फिल्म तुम्बाड़ के जरिए लगभग सभी घरों में अपनी पहचान बना चुके सोहम शाह एक बार फिर एक नए प्रोजेक्ट के साथ लोगों के बीच आने वाले हैं। सोहम शाह बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स में एक माने जाते हैं। यह सोहम के कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि वह न सिर्फ सफलता का मुकाम हासिल किए हैं बल्कि बॉलीवुड में एक जबरदस्त एक्टर के रूप में अपनी पहचान भी बना चुके हैं। सोहम अपने फैंस के लिए एक बार फिर कुछ खास लेकर आ रहे हैं। सोहम शाह जल्द ही एक नई वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने अभिनय से हर बार कुछ नया कर दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने वाले सोहम शाह इस बार एक खास किरदार में नजर आने वाले हैं। सोहम जिस शख्स का किरदार निभाने जा रहे हैं वो भारत की राजनीति में अपनी खास पहचान रखते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अपनी नई वेब सीरीज में सोहम शाह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का किरदार निभाने जा रहे हैं। लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री भी रह चुके हैं। लालू यादव अपने खास अंदाज के लिए न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में मशहूर हैं। सोहम शाह लालू यादव का किरदार सफाई से निभाने के लिए इस रोल में पूरी तरह फिट बैठने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए सोहम ने खुद में फिजिकल बदलाव करने का भी फैसला किया है ताकि वो इस किरदार को बखूबी निभा पाए। हालांकि यह नई वेब सीरीज कब तक आएगी इसके लिए कोई फाइनल डेट नहीं आई है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2021 में इस वेब सीरीज को रिलीज किया जाएगा। सोहम के फैंस को उनका यह अंदाज पसंद आने की उम्मीद भी है। आपको बता दें कि इससे पहले सोहम को इमरान हाशमी और जयदीप अहलावत की वेब सीरीज बोर्ड ऑफ ब्लड में देखा गया था। यह सीरीज स्पाई नोवेल पर आधारित थी। इस वेब सीरीज में सोहम शाह ने अहम किरदार निभाया था। इसके अलावा सोहम ने कुक्की गुलाटी की द बिग बुल में भी अभिषेक बच्चन और निकिता दत्ता के साथ नजर आने वाले हैं। यह वेब सीरीज जल्द ही ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि लालू यादव पर बन रही सोहम शाह की नई वेब सीरीज जल्द ही रिलीज होगी। बताते चले कि राजद सुप्रीमो लालू यादव 1990 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद वो केंद्र में रेल मंत्री भी रहे। लालू यादव बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण पकड़ रखते हैं। आज भी उनको चाहने वाले लाखों की संख्या में हैं। लालू के समर्थक उन्हें सम्मान से गरीबों का मसीहा कहते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जब अयोध्या में राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू किए थे और बिहार में उनकी रथ पहुंची थी, तब उनके रथ को रोककर उन्हें गिरफ्तार करने वाले लालू यादव ही थे। उस समय लालू यादव की सरकार थी और लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। हालांकि आडवाणी को गिरफ्तार करने से पहले लालू यादव दिल्ली में उनसे मुलाकात भी किए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।